श्रद्धेय विनोद अग्रवाल जी के सुमधुर भजनों को देखने के लिए कृपया गोविंद की गली चैनल को सब्सक्राइब, लाइक व शेयर करें। राधे राधे। अगर है शौक मिलने का, शरण ले संत सदगुरु की। अगर है शौक मिलने का, बात ईश्वर की है, ऐश्वर्यवाद की नहीं। अगर है शौक मिलने का तो शरण ले संत सदगुरु की, क्यों तरीका यार से मिलाने का इन्हें खूब आता है। क्या बात, तरीका यार से मिलाने का इन्हें खूब आता है। दूसरी भाषा में कहूँ, जिसके पास जो चीज हो और हमें वो चीज चाहिए, तो जिसके पास हो वहीं से तो मिले। और फिर कह रहा हूं कि खुदा का रास्ता है मुर्शिद, तो जब उनके अंदर रचा पचा हुआ है, रोम रोम में समाया हुआ है, तो कहाँ जाने की जरूरत है, बैठ जाओ इन्हीं के चरणों में। अगर है शौक मिलने का, चरण ले सत सदगुरु की, तरीका यार से मिलाने का इन्हें खूब आता है। इनके पास है इसलिए कहीं जाने की जरूरत ही नहीं, मिलेगा तो यहीं से मिलेगा हमें, तो औरों को कहीं से मिले उनकी वो जाने। क्यों सानू और कुछ आंदा नहीं है जी, इसलिए जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। और फिर ये बात भी है कि मुर्शिद वही है जो आसुदाए मंजिल कर देता है। मुर्शिद वही है जो आसुदाए मंजिल कर दे, यानी बात ना करे उसकी, पहुंचाई दे, ले आ गया यहाँ, रमन कर इसके साथ। मुर्शिद वही है जो आसुदाए मंजिल कर दे, वरना बताने को तो रास्ता हर शख्स बता देता है, बताने को तो रास्ता हर शख्स बता देता है, पर मुर्शिद वही है जो आसुदाए मंजिल कर दे। सतगुरु ही है ज्ञान का दाता, सतगुरु ही है ज्ञान का दाता। तन मन धन से कर जो सेवा, तन मन धन से कर जो सेवा, सोई अभय पद पाता, सोई अभय पद पाता। सबसे बड़ा फल क्या, जो ईश्वर देता है वही सदगुरु देता है। श्रीमद् भागवत गीता में भी कहा है ना कि अभयम सर्वभूतेभ्यो, और वही बात, सोई अभय पद पाता। इसलिए फर्क कहां, देखने में है, परिणाम में नहीं।
और प्रेम की कंठी बांध गले में, प्रेम की कंठी बांध गले में, अज पाजा पूज पाता वह साधारण नहीं, अज पाजा पूज पाता अजब, जिसे जपना ना पड़े किसी नाड़ी में ऐसा सेट हो जाए कि अहर्निश चल रहा है, हृदय की धड़कनें चल रही हैं, रक्त का प्रवाह चल रहा है, उसी के साथ उसका नाम भी चल रहा है। प्रेम की कंठी बांध गले में, अज पाजा पूज पाता, और यम का आसन नेम तिलक दे, यम का आसन नेम तिलक दे, शब्द भेद बतलाता, शब्द भेद बतलाता, शब्द भेद। छोटी सी बात कहूं, कृष्ण कहना अलग बात, श्री कृष्ण अलग, यानी ऐश्वर्य युक्त शोभा युक्त कृष्ण, कृष्ण श्री कृष्ण हे कृष्ण, और हा कृष्ण, क्या बात, कृष्ण वही है लेकिन शब्द भेद, जिसकी जैसी मनस्थिति होती है शब्द ही वही निकलता है। कृष्ण श्री कृष्ण हे कृष्ण हा कृष्ण, और प्यार की पराकाष्ठा अरे कृष्ण, वाह। यम का आसन नेम तिलक रे, शब्द भेद बतलाता, श्रद्धा भक्ति ज्ञान ज्ञान की, ज्ञान ध्यान की तह खोल दिखलाता, तह खोल दिखलाता। छोटी सी बात श्रद्धा के लिए कहना चाहूंगा, जिसे हम श्रद्धा समझते हैं, जब सतगुरु उसकी व्याख्या करते हैं, छोटी सी बात क्या है श्रद्धा, जहां विवेक और भावनाओं का संगम हो वो है श्रद्धा। इसलिए हम भले कहने में कहने के अंधी श्रद्धा थी, उसकी श्रद्धा कभी अंधी हो ही नहीं सकती, जहां विवेक हो वहां अंधत्व कैसा है, इसका मतलब श्रद्धा थी ही नहीं उसकी, जहां विवेक और भावना का संगम हो, और फिर श्रद्धा क्या, एक्टिव डिवाइन फोर्स, श्रद्धावान व्यक्ति कभी निष्क्रिय नहीं रह सकता, सदैव सक्रिय रहता है, शिथिल नहीं क्रियाशील रहता है। श्रद्धा भक्ति ज्ञान ध्यान की देखो दिखलाता, छोड़े न शंका भेद भरम की, छोड़े न शंका भेद भरम की, संशय और महमह जाए सद्गुरु की शरण आने के बाद, इसका मतलब अभी आना ठीक नहीं था उसका, कि और पर्पस से आए थे, उद्देश्य कुछ और था, वरना सद्गुरु तो जानते हैं संशय आत्मा विनष्ट, उनके आने के बाद संशय संदेह बाकी रह जाए। छोड़े न शंका भेद भरम की, होए हर्ष उल्लसाता, होए हर्ष उल्लसाता, महाशून्य की
यीशु मसीह को साकी भी कहते और मैखाना यानी सतगुरु की महफिल गुरु आश्रम और सूफी साहित्य में ईश्वर से भी ज्यादा गुरु को ही महत्व दिया गया। एक बार ऐसे सूफी संत के साथ उनका शिष्य जा रहा था, सामने ही जैसे ईश्वर की मंजिल आ गई। सूफी संत कहते हैं बस मंजिल आ गई, मेरा काम है तुमको यहाँ तक पहुंचाना, उसके बाद दूसरों को लाना भी मेरा काम। शिष्य जैसे ये बात सुनता है बड़ा ही घबरा सा जाता है, अच्छा नहीं लगता कि मेरा अब सदगुरु से बिछोड़ा हो रहा है। प्रार्थना करता है कि ऐ मुर्शिद मुझे राहों से भटका था, भटका बार बार अपने साथ रखोगे, मुझे किसी ईश्वर की कामना वामना नहीं। जैसे अपना हरियाणा वाले कहते भी है ना कि गोद भी छोड़ के पेट की गुण आस कर, तुम मेरे फेस टू फेस हो, रूबरू हो, वो तो अभी दूर है, मंजिल के अंदर बैठा है, मैं क्या जानू उसका आनंद, आपका आनंद मैंने लिया हुआ है, रस लिया हुआ है। इसलिए ऐ मुर्शिद मुझे राहों से भटका दे, क्यों सुना है कि मंजिल करीब, सुना है कि मंजिल करीब आ रही, मैं ईश्वर को नहीं जानता तुम्हें जानता हूं, अब उसमें रस कितना है कि नहीं, आपका रस लिया है, आनंद लिया है, इसलिए ऐ मुर्शिद मुझे राहों से भटका दे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। और मजे की बात, आज अपना कितना सौभाग्यशाली दिन है,
ऐसे संत सदगुरुओं का सानिध्य, साकी भी एक नहीं और मैखाना भी लबालब। जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय अपनी सेवाएं समाप्त कर चुका है। अब जो भी बात बनेगी दुआ ईश्वर से दुआ करो। जो बात दवा से हो ना सके वो बात दुआ से होती है। जब मुर्शिद यानी संत समर्थ सद्गुरुदेव की प्राप्ति हो जाती है, क्या होता है? जब कामिल मुर्शिद मिलता है तो बात खुदा से होती है, तो बात खुदा मुर्शिद कामिल का जिस दिन से सहारा मिल गया, जब से समर्थ सद्गुरुदेव का सहारा मिल गया, क्या हुआ? मुर्शिद कामिल का से सहारा मिल गया, क्या हुआ? दूर जिसको पाना था किस दिल में वो प्यारा मिल गया, दूर जिसको पाना था किस दिल में वो प्यारा बाबा। जो बहिरंगताओं से अंतरंगताओं में ले जाए, एहसास नहीं अनुभव ही करवा दे। जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।
सतगुरु अनंत आप अनंत आप सतगुरे सतगुरु अनंत अनंत आप सतगुरे अव्यय संज्ञा पच्चित अथन्या सच्चिदानंद स्वयं भवे भवे सच्चिदानंद स्वयं भवे भवे अलग अचिंत्या अलग अचिंत्या आदि और अनंत आप विभु और अनंत शाश्वत शाश्वत विभु और विभु यानी व्यापक विभु और अनंत शाश्वते निर्गुण निराकारिया निर्मल निराधारिया निर्गुण निराकारिया निर्मल निराधारिया अगम अपार अक्षरे अक्षरे अगम अपाया अक्षरे अक्षरे मेरे रक्षक दयालुआ मेरे पालक कृपालुआ मेरे रक्षक दयालुआ पालक कृपालुआ मेरे गोविंद और गोपालिया विश्वम भरे मेरे गोविंद और गोपालिया विश्वम भरे ज्योतियो प्रकाशिया सर्ग प्रकाशिया सर्वगत आकाशिया तेज की राशिका दीवा करे तेज की राशिया दीवा करे सब मतों से भी दूरिया सब पंथों से भी दूर या बहुत बड़ी बात कोई कट्टर बात नहीं सब मतों से भी दूर या सब पंथों से भी दूर या बस प्रेम से भरपूर या केवल बस प्रेम से भरपूर केवल केवल मेरी श्रद्धा दीवा अनंत चिरंजीवा मेरी श्रद्धा दीवा अनंत चिरंजीवा निज दासों के पीवा नमस्कृते नमस्कृते निज दासों के पीवा नमस्कृते 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 जय गुरुदेव
गुरुदेव जय जय गुरुदेव सगुण उपासक हैं, सगुण दर्शन करना चाहते हैं और निर्गुण उपासक अपना अनुभव अलग ये सगुण दर्शन है क्या? प्रभु की मूर्तियां देखना, अनेक तरह के वाणमय विग्रह उनके, उनका दर्शन बहुत अच्छी बात है, लेकिन बार बार पास जाना पड़ेगा, वहां जाना पड़ेगा, याद करनी पड़ेगी। और जो अहर्निश बना रहे हैं वो सगुण दर्शन क्या है? सगुण ईश्वर ने जो भी रचना की है, कोई जगह कोई व्यक्ति ऐसा है ही नहीं जिसमें उसका कोई ना कोई गुण विद्यमान हो। हमारी दृष्टि क्या है, दोषों पे अधिक जाती है, नेगेटिविटी। यदि हम केवल गुणों को ही देखें, ये उसका सगुण दर्शन है।
और इसमें एक बात और सावधानी पूर्वक कि ये अगर हम गुण व्यक्ति का मान लेंगे मुमकिन है हमारी आसक्ति उस व्यक्ति में हो जाए, मोह बन जाएगा और मोह सकल व्याधियों का मूल है। नजर तो गुण पर हो लेकिन साथ साथ ये भी ज्ञान हो कि ईश्वर की कितनी करुणा कि अपना ये गुण उसने इसके अंदर दे दिया। उस गुण को देखकर ईश्वर की याद आए तो समझना सगुण दर्शन। जैसे हंस होता है उसकी चोंच में एक गुण होता है, दूध और पानी मिला के डाल दिया जाए वो दूध दूध पी जाता है पानी छोड़ देता है, वही दृष्टि हमारी हो जाए केवल गुण को देखें दोषों की तरफ नजर ही रह जाए तो व्यक्ति से हम भी हंस बन गए। फिर दूसरा होता है परम हंस, ये निर्गुण दर्शन कि ना गुणों को देखे ना दोषों को देखे, गुण भी नहीं कुछ भी नहीं, निर्गुण दर्शन। लेकिन एक बात और उससे भी अधिक, हंस परम हंस और फिर श्री परम हंस कि जो भी ये कायनात है ये कुदरत है ये जितनी भी सृष्टि है उसी की बनाई हुई है, इसलिए उसका मानकर सबसे प्रेम करना ये श्री परम हंस, सबसे प्रेम का व्यवहार प्यारे। या भक्त यही बात कह रहा है ये दृष्टि मिली तो किससे मिली, नष्ट भया सम अंतर कातम विश्व नजर नहीं आया हुई कृपा सद्गुरु की ऐसी हुई कृपा सद्गुरु की ऐसी गुप्त रहस्य दर्शाया गुप्त रहस्य दर्शाया मन आनंद मगन भया मेरा रो रोम हर जाया रोम रोम हर जाया। सतगुरु से हमने नाम का हीरा पाया गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव।